हेलो दोस्तों, स्वागत है आज आपका आपके चैनल पे। आज हम बनाने जा रहे हैं राजमा। तो राजमा के लिए हमने सबसे पहले 300 ग्राम राजमा भिगो के रख लिया था 4 से 5 घंटे। अभी ये फूल चुका है। अब हम इसे कुकर में 4 से 5 सीटी लगाएंगे ताकि ये अच्छे से गल जाए। सीटी लगाने से पहले हम इसमें कुछ गर्म मसाले ऐड करेंगे, जैसे एक बड़ी इलायची, एक छोटी इलायची, 3-4 लौंग और एक छोटा सा आधे इंच के करीब दालचीनी, और इसमें लगभग 1/2 टेबल स्पून नमक डालेंगे, जिसको सीटी लगाने के लिए हम गैस पे रख देंगे। दोस्तों, राजमा हमारा गैस पे जा चुका है। अब इसकी ग्रेवी बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा, ये देख लेते हैं। इसके लिए हमने लिए हैं 3 बड़े प्याज, जिसको हमने बारीक काट लिए हैं, 2 बड़े टमाटर, 3 से 4 तेज पत्ता, 4 से 5 लाल मिर्च, और 4 हमने लिए हरी मिर्च, और 2 बड़े चम्मच लिए अदरक लहसुन का पेस्ट। या पेस्ट लें या फिर अच्छे से कूट लें। तो दोस्तों, हमने अपना राजमा रख दिया है। अब ये 4 से 5 सीटी में पकेगी और इसके साथ ही साथ हम इसकी ग्रेवी भी तैयार करेंगे। ग्रेवी के लिए हमने अपनी कढ़ाई में 3 से 4 टेबलस्पून तेल ले लिया है और वह अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें सबसे पहले ऐड करेंगे तेज पत्ता। और सूखी मिर्च। और इसके बाद हम ऐड करेंगे अपना कुछ साबुत गरम मसाला, जिसमें बड़ी इलायची, छोटी इलायची, 3-4 लौंग, 4-5 काली मिर्च और 1/2 चम्मच के करीब जीरा है। इस गरम मसाले को अच्छे से तड़कने देंगे। इसके बाद हम अपना प्याज ऐड करेंगे। मसाला हमारा तड़क चुका है। अब हम इसमें अपना प्याज ऐड करेंगे। अच्छे से मिला देंगे और देंगे आपको इसको पकने देंगे। दोस्तों, हमारा प्याज अच्छे तरीके से भून गया है सारा। देखिए, ब्राउन लाइट कलर में आ चुका है। अब हम इसमें अपना अदरक और लहसुन का जो पेस्ट था वो ऐड करेंगे। इसके साथ ही हमने जो हरी मिर्च ली थी उसे भी छोटे छोटे पीसेस में काट देंगे, उसको भी ऐड कर देंगे। इसके बाद जो हमने टमाटर लिया था उसको भी छोटे छोटे पीसेस में काट लिए हैं, उसको भी ऐड कर देंगे। इसके साथ ही हम डाल देंगे थोड़ा सा नमक, क्योंकि नमक हमने राजमा बॉईल करते समय भी डाला है, तो नमक का ध्यान रखेंगे। तो इसे 5 से 10 मिनट पकने देंगे जब टमाटर पूरी तरह से गल जाए। तो देखिए दोस्तों, टमाटर और प्याज पूरी तरह से गल चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 3/4 चम्मच ये कश्मीरी मिर्च। इस कश्मीरी मिर्च से कलर बहुत अच्छा आता है, इसलिए हम यहाँ ऐड कर रहे हैं। 1 बड़ा चम्मच धनिया का पाउडर और 3/4 चम्मच ही हल्दी का पाउडर। इसको हम 2 से 4 मिनट भूनेंगे, फिर हमारी ग्रेवी पूरी तरह से तैयार हो जाएगी। फिर हम इसमें अपना बॉईल किया हुआ राजमा ऐड कर देंगे। तो हमारा मसाला सारा पूरी तरह से पक चुका है। अब हम इसमें अपना बॉईल किया हुआ राजमा ऐड कर देंगे। राजमा जो हमने उबाला था उसको उसके पानी के साथ ही ऐड करेंगे। इसे अच्छे से मिला देंगे और इसको भी 5 से 10 मिनट तक धीमी आंच पे छोड़ देंगे, ताकि ग्रेवी और हमारा राजमा अच्छे से घुल जाए। दोस्तों, हमारा राजमा पूरी तरह से पक चुका है। अब हम इसमें थोड़ी देर बाद कसूरी मेथी ऐड करेंगे या धनिया का पत्ता ऐड करेंगे। ये दोनों ऑप्शनल है। अगर आपके पास नहीं है तो आप ऐसे भी इसको ले सकते हैं, ऐसे भी एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू। अब मिलते हैं सर्विंग में।